मारिया साहब, जो बहुत अहम बात की शाहजेब साहब ने कि इमरान खान साहब ने तो अपना टारगेट खुद चूज किया है, तो ये जो अब यू नो ऑब्वियसली फैज साहब को पकड़ा गया है, डज इंक्रीज द हीट ऑन इमरान खान? देखें, पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 साल में इतनी अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हुई हैं कि अब मुझे लगता है कि किसी की चीज़ का भी आउटकम गेस करना इतना आसान नहीं है। मेरा ख्याल है हम सब के लिए बड़ा हम्बलिंग मोमेंट होना चाहिए, जो अपने आप को हम बहुत आर्मचेयर एनालिस्ट हम हैं, हम समझते क्या है, हम हैं आर्मचेयर एनालिस्ट ही बन गए, क्योंकि 2 साल से मैं इस मुल्क के अंदर होने वाला हर सियासी तज़िया बड़े गौर से सुन रही हूँ, वो भी जो एक उस नुक्ता नज़र से अग्री करता है जिससे मैं अग्री नहीं करती, और जो एक मुख्तलिफ थॉट प्रोसेस है। अल्लाह के फजलो करम से कोई भी एक भी सही साबित नहीं हुआ, ना उन लोगों का जो कह रहे थे कि जी सियासत ख़त्म हो गई और पहली कि जो अगर रियासत से लड़के सब ख़त्म हो जाते हैं, उनका तज़िया भी ठीक नहीं हुआ। जिनका ये तज़िया था कि जी इमरान खान साहब बिल्कुल गालिब आ जाएंगे, वो तज़िया भी ठीक नहीं, क्योंकि बीच में ही बात फंसी हुई है ना। इमरान खान साहब और उनके जो हमनवा है वो मुकम्मल तौर पर गलबा हासिल कर पा रहे, क्योंकि ताकत है रियासत की, ना रियासत मुकम्मल तौर पर उनको दबा पा रही है भरपूर ताकत में करते रहे भरपूर ताकत के बावजूद। सो ये मामला कहीं बीच में फंसा हुआ है। अगर आप मुझसे पूछती आज एक महीने पहले की क्या जनरल फैज साहब गिरफ्तार हो, जब कहते क्या बात कर रहे हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो गया है, हमारे वहमो गुमान में नहीं था। क्या उनके बाद कोई और लोग भी गिरफ्तार होंगे, जैसे कुछ हमारे ही कॉलीग्स कह रहे हैं कि 70 के करीब लोग हैं, मैं ये गेस नहीं कर सकती थी। ये अगेन कोई भी नहीं ये बात, क्या 8 फरवरी को इतना वोट पड़ जाएगा और इतना एक डिसरप्टिव इवेंट शुरू हो जाएगा जिसके अभी तक हम तमाम रिपरकशंस देख रहे हैं, हम में से कोई गेस नहीं कर सकते। तो लेट्स ऑल्सो बी वेरी हम्बल, हम गेस कर भी नहीं कर सकते मुझे लगता है। हाँ, इन्फॉर्म्ड अगर आप पूछेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर इमरान खान साहब का कहीं ना कहीं तकिया था उन कुव्वतों पर जहाँ से उनका ख्याल था कि उनको कुछ ठंडी हवाएं पहुँचेंगी, तो वो कुछ अरसे के लिए वेंट बंद ज़रूर हुआ, ये मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन आई डोंट नो क्या वो उसको ओवरकम कर लेंगे इस ऑब्स्टिकल को, क्या मुकम्मल तौर पे वो वेंट बंद हो गया है, क्या वक्ती तौर पे बंद हो गया है, क्या आप क्या दोबारा 3-4 महीने बाद हम देखेंगे उनको एक ताज़ा कुमक मिलेगी नहीं मिलेगी। टू मैनी गैसेज।